हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंजीनियर्स स्टडी क्लासेज में। तो आज एक नई रिक्रूटमेंट आई है, उसका मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पीजी सेल की तरफ से वैकेंसी आनी स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि इससे पिछले बार गेट वालों के लिए वैकेंसी आई थी, बीटेक वालों के लिए, उसके बाद पावर ग्रेड जूनियर इंजीनियर जो कि सर्वे का वैकेंसी आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गई है जिसमें कि डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं और ITI वाले एलिजिबल हैं। फुल नोटिफिकेशन में हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे। फॉर्म फी की एलिजिबिलिटी की सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, ऑल इंडिया एलिजिबल है। तो चलिए कौन कौन से फुल नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं एक बार। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1:31 में आप नोटिस को भेज दिया गया था। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं पावर ग्रिड की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर CC/5/2024, डेट देख सकते हैं आज का 7/8/2024। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सर्वे इंजीनियर सर्वे ऑन ट्रांसमैन, यानी सिविल से रिलेटेड ये ब्रांच का वैकेंसी है। तो सीएल वाले इसमें एलिजिबल है और बाकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल वालों के लिए जो डिप्लोमा ट्रेनिंग वैकेंसी आती है वो भी जल्द आपको 2 से 3 महीनों में देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं NR रीजन NR2 रीजन सारी पोस्ट वाइज यहाँ पर हम डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं CC जो कि आपका पालमनेसर में है, यही सर्वे इंजीनियर Grade 3 के 4 वैकेंसी टोटल है। सर्वेयर Grade 4 के 4 वैकेंसी है, ड्रॉटमेंट Grade 4 की 8 वैकेंसी है। यहाँ पर देख सकते हैं यरबन पटना वालों के लिए जेई सर्वेयर Grade 3 की 1 वैकेंसी और सर्वेयर Grade 4 का 1 वैकेंसी। यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। SR1 रीजन NR3 रीजन NR2 रीजन NR1 सारे रीजन में देख सकते हैं उड़ीसा में जेई सर्वेयर इंजीनियर के 1-1 वैकेंसियाँ हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं, कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं। जूनियर इंजीनियर सर्वेयर इंजीनियर Grade 3 S2 वाले के पोस्ट के लिए यहाँ पर सैलरी पे स्केल देख सकते हैं 26,000 से 1,18,000 है। अपर एज लिमिट 31 साल रखा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग में रहना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, साथ में सर्वे सब्जेक्ट के रूप में आपका है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास BE/BTECH का डिग्री नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं इसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया एटलीस्ट 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन, इसमें ग्रॉस पे आपका 25,000 मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं सर्वेयर Grade 4 वालों की वैकेंसी के लिए W4 में रखा जाता है। इनका बेसिक रहेगा 22,000 रुपये। अपर एज लिमिट 32 साल रखा गया। फुल टाइम रेगुलर 2 ईयर ITR सर्वेयर में रहना चाहिए। टेक्निकल इसमें देख सकते हैं 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट आपका ड्रॉटमैन का है जिसका भी सैलरी 22,000 से 85,000 रखा गया है। इसमें भी फुल टाइम ITI 2 साल का मांगा गया है, उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। तो यही अपडेट आपको देनी थी। जो जो इसमें एलिजिबल होते हैं वो ज़रूर इसमें फॉर्म को भर दीजिएगा। बाकी इसका सिलेक्शन प्रोसेस सेम टू सेम DT वालों की तरह से रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं PS के लिए एक बार फिर से यहाँ पर दिखाया गया है, बेसिक पे आपका कितना होगा सारी जानकारी दी गई है। इम्पोर्टेंट डेट की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुकी है, 7 तारीख से लास्ट इसका कब है 29 अगस्त तक रखा गया है। बात की जाए PGCL DT वालों के लिए, उसकी वैकेंसी आपको PGCL DT वालों के लिए आपकी वैकेंसी अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेगी। तो आप लोग तैयारी करते रहें PGCL DT की। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दें।